नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा कुछ जीवन राशिफल के YouTube चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जून माह के राशिफल की, यानी जून माह में मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह गोचर, उनके करियर को लेकर, उनके धन की स्थिति को लेकर, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा को लेकर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के स्वामी मंगलदेव, मंगलदेव यहाँ पर आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय में यह गोचर अत्यंत ही शुभ माना गया है। हालांकि मंगलदेव 2 जून 2021 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि यानी अपनी नीच की राशि में गोचर करने वाले हैं, तो यह गोचर आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। माता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर गिरावट हो सकती है, क्योंकि नीच के राशि का नीच के मंगल का चतुर्थ भाव से गोचर कहीं ना कहीं आपको यहाँ परेशान कर सकता है। अगर इस समय आप मकान लेने की भी सोच रहे हैं तो आप इस डिसीजन को थोड़े समय के लिए टाल दें, क्योंकि यहाँ आप कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं। मंगल की यह स्थिति दशम में बैठे शनिदेव यानी आपके करियर लॉर्ड की अगर हम बात करें तो दशम भाव में शनिदेव अपनी राशि स्वराशि में होकर गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा गोचर है। लेकिन यहाँ मंगल के गोचर से मंगल और शनि का दृष्टि संबंध स्थापित होगा, जिसके के कारण यहाँ आपके करियर में या आपके कार्य क्षेत्र में किसी से लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध यानी मंगल जो है चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव के शनि से जो संबंध बना रहा है, यह संबंध आपके जॉब के लिए बहुत अच्छे नहीं साबित होंगे। बात करते हैं धन भाव के स्वामी की, तो धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का गोचर तृतीय भाव से यानी आपकी राशि से तृतीय भाव से हो रहा है, जहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी बुद्ध देव और छठे भाव के स्वामी जो कि बुद्ध देव ही बनते हैं, उनके साथ में यह गोचर है। धन को लेकर यह स्थिति आपको थोड़ा सा यात्रा संबंधी परेशान कर सकती है, या आप अपने घर के बजाय आप बाहर जाकर आपको अपनी जॉब करनी पड़े, तो यहाँ धन से लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी संभव है। बात करते हैं जॉब चेंजेस को लेकर, अगर कोई भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दशम और एकादश के भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, शनिदेव का गोचर दशम भाव से पूरे ऑल ओवर अगर अपन बात करें तो यह एक अच्छा गोचर है, लेकिन यहाँ मंगल की जो स्थिति बनेगी उसके कारण यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हालांकि शुक्रदेव का गोचर 22 जून को कर्क राशि में होकर गोचर करेंगे, जो कि फिर से दशम भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जो कि यहाँ पर शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, तो थोड़ी सी आपको राहत यहाँ 22 जून के आसपास में मिल सकती है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो यहाँ पर मंगल का गोचर चतुर्थ भाव यानी अपनी नीच राशि से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में यहाँ आपके और आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 100% गिरावट संभव है। बात करते हैं आपकी शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर बात करें तो सूर्यदेव यहाँ हायर एजुकेशन के मालिक हैं। जो भी जब तक हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव का गोचर राहु के साथ में हो रहा है, राहु के साथ में गोचर शुभ नहीं माना जाता। वैसे भी आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्यदेव यहाँ गोचर करेंगे, हालांकि 15 जून को सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में आएंगे, क्योंकि आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, यहाँ सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ माना गया है। एजुकेशन के लिए जो भी जब तक जहां पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहां वो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यह गोचर उनको सपोर्ट करने वाला है। धन्यवाद।